हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ एक ब्रेस्ट बेल्ट, और ये नो बाउंसिंग ब्रेस्ट बेल्ट है और बहुत ही अच्छी है, मतलब अच्छी चीज़ है। अगर आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है अपने ब्रेस्ट को साइज़ को लेकर और बहुत बाउंसी है, तो आप इस बेल्ट का यूज़ कर सकते हो एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, वॉक, कुछ भी करते में, और ये आप उसको कवर करके रखिएगा। तो इसका वीडियो एक्चुअल में लगाऊंगी मैं साइड में, तो उससे अच्छे से आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। फ़िलहाल आप बेल्ट देखिए, तो ये नॉर्मली इलास्टिक बेल्ट है, मतलब नॉर्मली क्या, मतलब बनी इसी टाइप की मटेरियल की है, इलास्टिक मटेरियल जैसे नॉर्मल वाला होता है, और साइज़ थोड़ा चौड़ा है तो वो काफ़ी ठीक है आपको ब्रेस्ट कवर करने में, क्योंकि आप नॉर्मली जब चलते हो या भागते हो, रनिंग करते हो, कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा बाउंसी वाला फील जो आपको आता है आगे, वो इस बेल्ट से काफ़ी हद तक आपका कवर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेचेबल बेल्ट है। वीडियो आप देख लेना साइड में, मैं लगा देती हूँ अभी। और दूसरा, ये साथ में इसका वेलक्रो दिया है स्टिक करने के लिए, तो नॉर्मल जैसे बेल्ट वगैरह कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत ही ऐसी सिंपल बेल्ट है, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं। बस इसका वर्क मुझे बताना था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो काफ़ी अच्छे साइज़ में वेलक्रो भी स्टिक करने के लिए दिया है, क्योंकि ये एडजस्टेबल मतलब नहीं है, बट हाँ आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो जब भी आप इसको पहनोगे। तो वैसे एडजस्टेबल हुक वगैरह इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सिंपल बेल्ट है। तो आपको जितना आपको लगता है आपको कंफर्टेबल हो, आप उतना इसको आप स्ट्रेच करके आप इसको लगा सकते हो। तो फिलहाल के लिए भी मैं इसको आपको एक बार ना इसका साइज़ भी बता देती हूँ। तो गाइस, मैं जल्दी जल्दी मेजर कर देती हूँ। यहाँ से देखिए, आप इसको देख सकते हो कि 3 इंच आ रहा है इस तरह से, और इसका पूरा फुल लंबाई भी मैं बता देती हूँ। जल्दी जल्दी मेजर करती हूँ और आपके सामने मेजर कर रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तो 41 और 42, मतलब 42 ही है ये, 41 नहीं है, 42 ही है, मुझे ऐसा लगा कि 41 है। तो गाइस, बस बेल्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।